अभी कुछ समय पहले नथिंग ने एक वीडियो बनाया था एमकेबीएसटी के साथ, जहां पे ये बोला गया था कि एमकेबीएसटी का अगर ड्रीम फोन यहां पर बनाया जाएगा तो एग्जैक्टली में कितने का बनेगा, यहां पे पता चलता है $500 का बनेगा और उस फोन को बनाने के लिए तकरीबन $23 मिलियन यहां पे लगेंगे। लेकिन एक बात समझ में आती है कि आज के समय में 2025 में अगर एक मोबाइल फोन बनाने निकले तो उसकी आखिर कीमत कितनी पड़ सकती है। तो सोचा इसी सवाल का जवाब लगाया जाए और आप लोगों को बताया जाए कौन सी चीज कितने की है और बिहाइंड द सीन कहानी यहाँ पर क्या चलती है। और इसके लिए कुछ इंडस्ट्री के लोगों से भी बात करी मैंने। सबसे पहले एक बात बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ मटेरियल के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी कि अलग अलग कंपोनेंट की कीमत कितनी पड़ेगी, 5G मॉडेम कितने का पड़ेगा, यहाँ पे रॉयल्टीज का कितना पैसा देना पड़ेगा, एक प्रोसेसर यहाँ पर कितने का आता है और फोन के अंदर डिस्प्लेस की कीमत यहाँ पर क्या है और टॉप ऑफ द लाइन अगर कैमरास लगाने सोनी के नए सेंसर के साथ एक पूरा कैमरा मॉड्यूल कितने का पड़ेगा, ये सारी बातें। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कई सारी चीजें वेरिएबल होती है। और एक बात बता देना चाहता हूँ, बिल ऑफ मटेरियल वही होते हैं जो अलग अलग कंपोनेंट्स आपके मोबाइल फोन के अंदर लगाए जाते हैं, जिसके अंदर एक प्रोसेसर की कीमत क्या है, एक कैमरा के सेंसर की कीमत क्या है, एक बैटरी की कीमत क्या है वो। लेकिन सिर्फ मोबाइल में सिर्फ इतना ही नहीं होता, इन मटेरियल्स के अलावा इसको मैन्युफैक्चर करना होता है, मशीन्स की कॉस्ट आती है, अलग अलग एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट आती है। और हाँ, अलग अलग कंपनी सप्लायर के साथ नेगोशिएशन भी करती है कि यहाँ पे हमें एक चिप दे दो, एक प्रोसेसर दे दो, ये सारी चीजें, क्योंकि हर एक कंपनी के लिए डील और रेट्स अलग होते हैं कई बार, और कई बार ऑर्डर जितना बड़ा होगा लोगों को उतना डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस तरीके से मोबाइल फोन बनाने का सिलसिला यहाँ पर शुरू होता है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मोबाइल फोन के अंदर एग्जैक्टली में एक प्रोसेसर सबसे महंगा होता है, तो वेल बात आपकी कुछ हद तक सही भी है। एमकेबीएसटी वाले वीडियो से इतना तो पता चलता है कि $190 कीमत होती है स्नैपड्रैगन 8 एलीट की। लेकिन अगर आप लोग सरप्राइज हो जाओगे जब मैं आपको बताऊं कि एप्पल का A18 प्रो तो तकरीबन $70 तक में मिल जाता है, इवन देखा जाए तो $70-$80 में टेंसर का G4 भी मिल जाता है। अब बात ये कि TSMC से निकल के चिप्स और सबके प्राइसेस आते हैं, लेकिन जो Qualcomm Snapdragon है वो अपना मार्जिन ऊपर रखती है, वो अपनी मार्केटिंग करती है, यहां तक कि अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट भी निकालती है। और हां, आप लोगों को बता देना चाहूंगा एक बात, Snapdragon के हर एक फीचर को इनेबल करने के लिए रॉयल्टीज और फीस लेते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं रहेगा कि अगर आपने एक प्रोसेसर ले लिया ये सारे के सारे फीचर्स आपके मोबाइल में आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हर एक फीचर को इनेबल और उनकी रॉयल्टीज और उनकी फीस रहती है, जिसके बाद क्या रहता है कि आमतौर पे $190 तक इसे कीमत चली जाती है और इससे ज्यादा भी जा सकती है अगर आपका ज्यादा बड़ा ऑर्डर ना हो, और ऑर्डर अगर कम हो तो उससे कम भी जा सकती है। और आमतौर पे मीडियाटेक डोमेसिटी की कीमत जाती है तकरीबन $150 तक, और ज्यादातर प्रोसेसर $100 के अंदर खत्म हो जाते हैं, ज्यादातर 90% ऑफ द प्रोसेसर, और कुछ प्रोसेसर जो अच्छी हाई रेंज के साथ आते हैं वो यहाँ पे महंगे पड़ते हैं, यानी कि प्रोसेस का रेट जो रहता है काफी ज्यादा वेरिएबल रहता है। लेकिन मोबाइल फोन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम जो रहता है यार, वो टेक्निकली उसका डिस्प्ले, आमतौर पे $35-$40 इनकी कीमत शुरू हो जाती है, और वन ऑफ द हाई एंड डिस्प्लेस मार्केट के अंदर $100-$120 तक जाते हैं। ये वो डिस्प्लेस होते हैं जो कर्व होते हैं, जिनके अंदर हाई रिफ्रेश रेट होता है, LTPO पैनल होता है, इनके अंदर पीक ब्राइटनेस ज्यादा देखने को मिलती है। Yes, इन सबको हैंडल करने के लिए जो टॉप ऑफ द लाइन डिस्प्लेस है वो काफी ज्यादा महंगे रहते हैं। और हाँ, इनमें जो महंगे डिस्प्लेस होते हैं वो सैमसंग जैसी कंपनी यहाँ पे बनाती है, इसके बाद सस्ते में आपको BOE जैसी कंपनी अपने पैनल्स बनाते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि कॉम्पोनेंट्स वाली कंपनीज बहुत है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉम्पोनेंट यहाँ पर डिस्प्लेस भी होते हैं। वही बात करूं कैमराज की तो हाँ यार, एक मल्टीपल कैमरा सेटअप के बारे में पूछ रहा था मैं, जिसके अंदर ट्रिपल कैमराज हो, एक नॉर्मल कैमरा, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो जूम लेंस, तीनों के अंदर सोनी के लेटेस्ट सेंसर्स अगर लगे हों, तो इस पूरे मॉड्यूल की कीमत यहाँ पर कितनी पड़ेगी, इसके बारे में मैंने पता लगाया तो तकरीबन $60-$70 का एक प्राइस एस्टिमेट आया, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो $10-$20 से इनकी कीमत शुरू हो जाती है अच्छे कैमरा मॉड्यूल्स की। कई बार कैमरा सेंसर्स यहाँ पे $10-$10 के भी बिकते हैं, जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन कैमरा सेंसर्स होता है मोबाइल फोन में। जितने कैमरा, जितने एक्सपेंसिव लेंसेज अगर आप लगाएंगे उसके साथ उसकी कीमत पहुंच जाएगी, और आमतौर पर $60-$70 इनकी कीमत रहती है। और कुछ जो कैमरा फोकस्ड मोबाइल फोन रहेंगे वो लोग तकरीबन $80 से लेके $100 भी जा सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं सिर्फ कैमरा मॉड्यूल के हार्डवेयर की ही बात करूँ, यहाँ पे जो अलग अलग लेंसेज जैसे कि वीवो वाले अपने ज़ाइस लेंसेज लगाते हैं उनकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग जो लगती है ना उसका भी खर्चा यहाँ पर हो जाता है। और हाँ, ये भी एक बात बता सकता हूँ कि ज़ाइस ब्रांडिंग और लाइका ब्रांडिंग के अंदर यहाँ पे ये बेनिफिट रहता है कि कंपनी को ना अपना कैमरा हार्डवेयर सेटअप जो मोबाइल फोन कंपनी ने इनके ऑफिस में ले जाके उन्हें दिखाना पड़ता है, उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है, ये कैमरा, ये लेंस, ये सेटअप हम लोग यूज करने चाहिए, इसके लिए आप अप्रूवल देते हो कि नहीं देते, ये भी चीज बिहाइंड द सीन यहाँ पर काम करती है। तो यार ये भी चीज है। इसके साथ ही बात करें मेमोरी यानी कि रैम की, तो रैम की कीमत भी तकरीबन $10-$15 से यहाँ पे शुरू हो जाती है और $20-$30 तक इनकी कीमत जाती है, जो आपकी लेटेस्ट
LPDDR5X RAM की कॉस्ट होती जो 8GB, 12GB, 16GB में आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज तो मुझे ये पता चलती है कि यहाँ पर मोबाइल फोन के अंदर यहाँ पे स्टोरेज की जो कीमत है वो काफी एक्साइटिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टोरेज कीमत ही $10-15 से लेके $20-30 तक जाती है। एक बात बता देना चाहता हूँ, सिर्फ 256GB से 512GB के बीच की जो कॉस्ट होती है ना वो 200-300 रुपए, 400 रुपए तक ही जाती है मैक्स बिल्कुल। लेकिन कई सारी कंपनीज 256GB के बाद जब 512GB जाते हो तो 3,000-5,000 रुपए ऐसे बढ़ा देती है, क्योंकि पूरा का पूरा फिर इनके प्रॉफिट मार्जिन में जाता है। लेकिन रियलिटी में 500 रुपए भी खर्च नहीं होता है कंपनी का स्टोरेज डबल करने के लिए, ये भी एक सच्चाई है। और हाँ, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं डॉलर्स में सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि डॉलर्स में इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है और इंडिया के अंदर सारे कॉम्पोनेंट बनते भी नहीं है, ये सारे कॉम्पोनेंट आपको बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं और वो डॉलर्स में ही किए जाते हैं। तो जो रेट्स भी मेरे को मिले वो भी डॉलर्स में थे, और अगर आपको इंडियन रुपीज में रेट फाइंड करना है तो सजेशन रहेगा कि आप ये जो डॉलर्स रहते हैं ना, इनको जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रहा होगा $1 को उससे मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको इंडियन रुपीस का रेट भी करंट में पता चल जाएगा। खैर, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद बैटरीज के बारे में बात करें तो बैटरीज देखा तो कुछ सस्ती आती है $5-7 में, और जो टॉप ऑफ द लाइन सिलिकॉन कार्बन बैटरीज का रेट पता लगाने गया तो तकरीबन $15 में भी एक अच्छी खासी 6,000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरीज भी देखने को मिल सकती है। बैटरीज में इतना ज्यादा नहीं है, सप्लाई चेन यहाँ पे रेडी है, पूरा प्रोडक्शन चाइना में होता है, वहां से आप इम्पोर्ट करके इंडिया में लेकर आके इसको बना सकते हैं। इसके बाद वाईफाई और ब्लूटूथ चिप के लिए भी $5-10 की कॉस्ट आती है, क्योंकि जिसमें ब्लूटूथ 5.3 ये सब आ जाते हैं। एक आम तौर पे स्पीकर की कीमत भी $10-12 के आसपास रहती है अगर हाई क्वालिटी का स्टीरियो स्पीकर लगाए उसकी कॉस्ट। और हाँ, डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन लेना तो डॉल्बी कंपनी को रॉयल्टी फीस अलग से देनी पड़ेगी। इसके अलावा $5-10 के अंदर बाकी सारे सेंसर्स लग जाते हैं। एक मोबाइल फोन की फ्रेम अगर बना रहे हो, अगर टाइटेनियम की फ्रेम बना रहे हो तो $25-30 की लगेगी, मेटालिक फ्रेम $20 के अंदर खत्म हो जाएगी। इसके अलावा देखा तो बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग असेंबली लगती है जिसके लिए $30-40 की कीमत आती है। आमतौर पर एक फ्लैगशिप फोन बनाने के लिए तकरीबन $400-500 की कीमत आती है, और ये भी मैं टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप की बात करो, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप का मतलब आप समझते हो सैमसंग S25 अल्ट्रा, वो भी $500 के अंदर बनाया जा सकता है। एप्पल का iPhone 16 Pro Max, उसकी कीमत भी $500 के अंदर खत्म की जा सकती है। और इसके अलावा जितने भी फ्लैगशिप वाले मोबाइल फोन्स होंगे, चाहे मैं Vivo की बात करूं, Oppo की बात करूं, इवन Xiaomi के अल्ट्रा फोन्स की बात करूं, सबके सब $500 के अंदर यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। 500 या 550 के ऊपर रेयरली यहाँ पे कोई फोन जाता है, क्योंकि लिटरली बॉम्ब कॉस्ट यहाँ पर ही है। लेकिन वेट, अब आप ऐसा मत समझना कि एक कंपनी $500 में फोन बनाती, यानी कि 40,000 का फोन आपको 80,000 1,00,000 में बेच रहे तो आपको स्कैम कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब बिल ऑफ मटेरियल की कॉस्ट थी। इसके बाद एंड्रॉइड का लाइसेंस लेना पड़ेगा, वहां पे इनकी कॉस्ट चाहिए, अलग अलग कंपनीज के साथ इनकी टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगी, कई सारे फीचर की लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी। एक एग्जांपल देता हूँ, डॉल्बी एटमॉस की लाइसेंस लेना पड़ता है, डॉल्बी विजन का लाइसेंस लेना पड़ता है, वो यहाँ पे जाता है। यहाँ पे अगर फोन के अंदर कैमरा हार्डवेयर के साथ पार्टनरशिप कर रहे तो उसका लाइसेंस यहाँ पे लेना पड़ता है। अलग अलग फीचर इनेबल करने के लिए क्वालकॉम जैसी कंपनी को पैसा देना पड़ता है। इवन 5G अगर आप इनेबल कर रहे हो तो उसके लिए कुछ लोगों को रॉयल्टीज भी यहाँ पे करनी पड़ती है। यहाँ तक कि अगर आप फास्ट चार्जिंग का सॉल्यूशन यूज कर रहे हो और प्रोप्राइटरी सॉल्यूशन है तो चार्जर बनाने की कॉस्ट, और चार्जर में किसी थर्ड पार्टी का टैक है तो उसको यहाँ पे लाइसेंस कॉस्ट देनी पड़ती है। इसके अलावा पैकेजिंग की कॉस्ट, इसके अलावा मोबाइल फोन को बनाने की R&D की कॉस्ट देनी पड़ेगी, और बड़ी बड़ी मशीन और सप्लाई चेन भी बनाने की कॉस्ट देनी पड़ेगी। और इस तरीके से आमतौर पर एक मोबाइल फोन बना पाना $20-25 million का खर्चा आ जाएगा, यानी कि अगर सिर्फ एक मोबाइल फोन की बात करें तो $20 million तक लग ही जाएंगे एक फ्लैगशिप फोन बनाने के लिए। एक मोबाइल फोन बनाने में इतना लग जाएगा फ्लैगशिप लेवल का बनाने निकला। और हम कई जगह कॉस्ट कटिंग वगैरह करके कुछ ऐसे मोबाइल फोन भी बना सकता हूँ जो मिड रेंज रहेंगे, जिनको बनाने की कीमत मेरे को $100-200 पड़ेगी, यानी कि मेरे को 8,000 से लेकर 15,000-16,000 में फोन बनेगा और 25,000-30,000 में उसे मैं बेच दूंगा मार्केट में। इस टाइप का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो उनको बनाने की कीमत यहाँ पे कम आ जाएगी, ये भी चीज है। और अगर आप मोबाइल फोन अगर आप लोगों ने बना लिया तो उसको मार्केट भी करना पड़ेगा, लोगों को जाके बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉस्ट क्या रहती है, यहाँ पे टीवी एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तभी जाके यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। तो हाँ यार, एक प्रोडक्ट को देख के ऑन पेपर बता पाना बहुत ही आसान है कौन सी चीज क्या लगती है, लेकिन हाँ, चीजों में कई बार डिफरेंस आ जाता है। इवन
मैं तो ये भी देख रहा था कि एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट लगाने की कीमत भी $1-1.5 यहाँ पे पड़ रहा था यूएसबी टाइप सी लगाने की कॉस्ट। तो यार वो भी एक चीज है जो हर चीज का यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप एक हाई स्पीड पोर्ट को यहाँ पे लगाना चाहेंगे तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है। हालांकि देखा तो हर एक कंपनी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक कंपनी किसी सप्लायर को पकड़ती है, उस सप्लायर के साथ डील हैंडल करती है, एक मैन्युफैक्चरर को पकड़ती है, सारी की सारी चीजें यहाँ पे सेटअप करती है और ज्यादातर चीजें आउटसोर्स करना पसंद करती है, क्योंकि आप आउटसोर्स करके बहुत तेजी से यहाँ पे मोबाइल फोन बना सकते हो और उनको आसानी से मार्केट में लेकर आ सकते हो। अगर आप आउटसोर्स नहीं करोगे, सारी की सारी चीजें इनहाउस करने जाओगे वर्टिकल इंटीग्रेशन में, तो आपको बहुत ज्यादा पैसे भी लगेंगे और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक नई कंपनी के लिए सबसे मुश्किल चीज टाइम ही रहता है, क्योंकि उसे मार्केट में जल्दी से जल्दी अपना प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि कंपनी सस्ते में मोबाइल फोन बनाती है उसके बाद स्कैम करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन एंड्रॉइड में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम रहता है। मार्केट में पता किया तो एप्पल का ही प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद एंड्रॉइड में नंबर आता है सैमसंग वगैरह इनका। लेकिन कंपेरेटिवली एंड्रॉइड में जैसे जैसे लोअर सेगमेंट में जाते हैं और खास तौर पर बजट और मिड रेंज फोन में जाते हैं ना, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। हर 500 रुपए में चीजें कंपनीज के लिए बदल जाती है। तो हाँ यार दोस्तों, यार ये सारी कहानी यहाँ पर चल रही थी बिहाइंड द सीन इंडस्ट्री के अंदर क्या रहता है, किस तरीके से चीजें काम करती है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि एक मोबाइल फोन कंपनी बनाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये बात नीचे कमेंट बताओ। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने अगली वीडियो में। गुड बाय।